दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रिंकू सिंह को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विराट कोहली, शिवम दुबे और रिंकू सिंह के तूफानी प्रदर्शन के आगे ढेर हुआ अफगानिस्तान का गेंदबाजी क्रम। जी हां दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे टी20 मैच में विराट कोहली और शिवम दुबे की अर्धशतकीय पारी के बाद रिंकू सिंह अंतिम ओवर में अपने पहले से मैदान में ऐसा कहर बरपा दिया जिसके सामने अफगानिस्तान का गेंदबाजी क्रम चारों खाने चित हो गया। तो आखिरकार कैसे विराट कोहली, शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने अपने तूफानी प्रदर्शन के दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 मैच में भारत को जीत दिलाई है, यह तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट की वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिवम दुबे, विराट कोहली और रिंकू सिंह में कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज खेले जा रहे हैं जिसका अंतिम टी20 मैच आज बेंगलुरु के मैदान पर खेला गया, जहां टॉस का समय हुआ तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और वह गिरा भी खुद कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में, जिसके बाद उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जो बिल्कुल सही साबित हुआ। इस बीच अफगानिस्तान की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रहमतुल्ला गुरबाज और कप्तान इब्राहिम मैदान रहे, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तहलका मचाया। लेकिन इस बीच तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने रहमतुल्ला गुरबाज को 11 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए गुलबदीन मैदान पर आए, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास कमाल नहीं किया और 4 रन बनाकर 5 ओवर में मुकेश कुमार के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्ला मैदान पर आए, जिन्होंने कप्तान इब्राहिम के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम किया और पावर प्ले के अंदर 52 रन बटोरे। लेकिन इस बीच अजमतुल्ला और इब्राहिम दोनों ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की और अपना अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां पर कप्तान इब्राहिम ने 13 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से अजमतुल्ला ने 14 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान दोनों बल्लेबाज अब तूफानी बल्लेबाजी को और भी ज्यादा तेजी से आगे ले जाने का काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच गेंदबाजी करने के लिए 15 ओवर में अक्षर पटेल ने अजमतुल्ला को 53 रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मोहम्मद नबी आए, जिन्होंने आते ही तूफानी बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी और कप्तान इब्राहिम के साथ मैदान पर तहलका मचाया। लेकिन इस बीच 18 ओवर में रवि बिश्नोई ने कप्तान इब्राहिम को 73 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने करीम जनात आए, जो 19 ओवर में शिवम दुबे के सामने रोहित शर्मा के हाथों 7 रन के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन को लौटे। दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद नबी ने अंत तक 42 रन का योगदान दिया, जिसके चलते अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 209 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिया। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्तरी भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां पर विरोधी टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए फजल हक फारूकी ने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को 3 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इस दौरान यशस्वी जायसवाल 12 रन के स्कोर पर 4 ओवर में नवीन उल हक के सामने LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने शिवम दुबे आए और इस दौरान शिवम दुबे ने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतर बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना अर्धशतक पूरा किया। यहां पर पावर प्ले के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारत को पहुंचा दिया और उसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी करनी जारी रखी, जहां पर शिवम दुबे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने 14 ओवर के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाज इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इस बीच 15 ओवर के अंदर मोहम्मद नबी ने बड़ी सफलता दिलाते हुए शिवम दुबे को 69 रन के स्कोर पर कप्तान इब्राहिम के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जितेश शर्मा आए, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम को आगे ले जाने का काम कर रहे थे, लेकिन इस बीच जितेश शर्मा का भी बड़ा विकेट बड़ी जल्दी 14 रन के स्कोर पर 16 ओवर के अंदर मुजीबुर रहमान ने क्लीन बोल्ड करते हुए निकाल दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह मैदान पर आए तो ऐसे में अब मैच काफी ज्यादा रोमांचक हो गया, क्योंकि अब जीत के लिए 3 ओवर के अंदर 34 रन की जरूरत थी, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण 19 ओवर के अंदर गेंदबाजी करने फजल हक फारूकी ने विराट कोहली को 76 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर खड़े मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने अक्षर पटेल आए, इस ओवर के अंदर मात्र 6 रन दिए और जिसके चलते अंतिम ओवर में जीत के लिए अब भारतीय टीम को 15 रन की आवश्यकता पड़ी थी। इस बीच गेंदबाजी करने नवीन उल हक आए, जहां पर बल्लेबाज रिंकू सिंह मौजूद थे। इस दौरान नवीन ने पहली गेंद पर रिंकू सिंह को यॉर्कर के रूप में डाली, जो सही ठिकाने पर नहीं गिरी। रिंकू सिंह ने सामने की तरफ छक्का लगाते हुए ओवर की बेहतरीन शुरुआत की। हालांकि दूसरी गेंद पर नवीन ने बाउंसर का उपयोग किया, जिसको अपर कट के जरिए 4 रन में रिंकू सिंह ने तब्दील कर दिया। और इतना ही नहीं, जैसे रिंकू सिंह के सामने छोटी गेंद डाली गई, उस पर एक बार फिर से प्रहार करते हुए पॉइंट और कवर के ऊपर से 4 रन में तब्दील कर दिया। हालांकि अब अगली 2 गेंद पर नवीन उल हक ने 1 भी रन नहीं दिया और जब अंतिम गेंद पर 1 रन की जरूरत पड़ी तो गेंदबाज ने यॉर्कर गेंद डाली, जो सही जगह में नहीं गिरी और रिंकू सिंह ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर 26 रन की पारी खेलते हुए भारत को अभ्यास मैच में जीत दिलाई, जिसको देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद अंतिम मैच में की। दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को महान ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को बाहर कर शिवम दुबे को वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने की मांग हुई तेज। दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान देकर किया पूरे क्रिकेट जगत को हैरान। जी हां दोस्तों,
भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही सीरीज के दौरान शिवम दुबे का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके चलते हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप से बाहर करने की मांग तेज हो गई है। इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों ने शिवम दुबे का समर्थन किया है। इस बीच केविन पीटरसन, वसीम अकरम, शोएब अख्तर से लेकर रिकी पोंटिंग, कपिल देव ने शिवम दुबे को वर्ल्ड कप में शामिल करने हेतु एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे को वर्ल्ड कप में खिलाने पर दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में से कौन है महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से शिवम दुबे ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दोनों मैच में भारत को जीत दिलाई है। ऐसे में शिवम दुबे को वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने की बात कही जा रही है, क्योंकि शिवम दुबे ने पिछले दो मैचों में भारत के लिए 60 और 63 रन की पारी खेलने के साथ एक एक विकेट लेकर मैच विनिंग परफॉर्मेंस किया। तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या चोट के चलते लगातार टीम से बाहर रहते हैं। ऐसे में अब हार्दिक पांड्या का विरोध करते हुए शिवम दुबे को शामिल करने हेतु दुनिया भर के दिग्गजों ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या ने काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप टीम से बाहर करने का प्लान BCCI का काफी ज्यादा गलत साबित हो सकता है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार से अपनी फिटनेस को बेहतर नहीं किया है, उसके बाद तो उनका बाहर होना लाजमी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हार्दिक पांड्या को अगर जल्द टीम से बाहर नहीं किया गया तो ये भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। ऐसे में मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या को बाहर करते हुए उनके रिप्लेसमेंट शिवम दुबे को शामिल किया जाए। तो वहीं वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास वैसे ऑलराउंडर की काफी ज्यादा कमी है और IPL में इंपैक्ट प्लेयर के रूल के आने के बाद तो भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर की काफी ज्यादा कमी हो चुकी है। ऐसे में हार्दिक पांड्या के अलावा शिवम दुबे ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शिवम दुबे के पास इतना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर सभी को प्रभावित किया है, ऐसे में हार्दिक पांड्या का टीम में शामिल होना मुश्किल है। मेरा मानना है कि फिटनेस को देखते हुए शिवम दुबे को टीम में शामिल किया जाए, जो BCCI का सही फैसला होगा। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनमें कई बल्लेबाज और कई गेंदबाज मौजूद हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास कोई भी बेहतरीन ऑलराउंडर नहीं है। भारत के पास कुल मिलाकर सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या मौजूद हैं, लेकिन बार बार हार्दिक पांड्या का खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या को फिटनेस के चलते टीम से बाहर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है, हार्दिक पांड्या की जगह पर शिवम दुबे को शामिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में उनका शामिल करने से भारतीय टीम की दुविधा दूर हो जाएगी। तो वहीं रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा है कि हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप टीम में शामिल करना मेरे लिए गलत फैसला होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या अपनी फिटनेस को भारतीय टीम के लिए तैयार कर पाएंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या ज्यादातर समय चोटिल रहते हैं। ऐसे में भारत का इस समय बैकअप के रूप में शिवम दुबे की तरफ रुख करना बिल्कुल सही है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए शिवम दुबे ने पिछले दो मैच में बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में अगर उनको टीम में शामिल किया गया तो ये भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं कपिल देव ने बयान देते हुए कहा है कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की जरूरत है और हार्दिक पांड्या ने जिस प्रकार से भारत के लिए बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए टीम को संतुलन प्रदान किया है, वो शायद कोई और खिलाड़ी न कर पाए। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने चोटिल होकर टीम को दिक्कत प्रदान की है, ऐसे में उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढना काफी जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए शिवम दुबे पिछले कुछ समय से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में अगर उनको टीम के अंदर शामिल किया जाए तो ये काफी फायदेमंद साबित भारतीय टीम के लिए हो सकता है। दोस्तों, रोहित शर्मा से दुश्मनी पड़ी भारी, टीम ने हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल हुए बाहर, दोनों की जगह हुई इन दो दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या से निराश चल रहे हैं। ऐसे में इन दोनों से दुश्मनी बढ़ाने के बाद दोनों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने इन दोनों की जगह पर टीम के अंदर दो दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री कर दी है, जिसके आ जाने से भारतीय टीम का वर्ल्ड कप 2024 का जीतना कन्फर्म माना जा रहा है। तो आखिरकार रोहित शर्मा से दुश्मनी भारी पड़ने पर
हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की जगह पर किन दो दिग्गज खिलाड़ियों की एंट्री टीम में हुई है या तो आपको बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन महान खिलाड़ी, अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की T20 सीरीज खेली जा रही है और इसी के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए अंतिम T20 सीरीज खेल रही है। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली है और इसके बाद IPL खेलेगी। इसके तुरंत बाद 1 जून से T20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप 2024 को देखते हुए टीम के अंदर अभी से युवा खिलाड़ियों ने जगह बनाने के लिए बेहतर प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने टीम की जगह प्लेइंग 11 को तैयार करना प्रारंभ कर दिया है और इस बीच उन्होंने दो दिग्गज खिलाड़ियों को टीम एंट्री करा दी है। रोहित शर्मा सिर्फ दुश्मनी करने के बाद हार्दिक पांड्या शुभमन गिल का करियर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन दोनों का रिप्लेसमेंट का ऐलान अब खुद रोहित शर्मा ने इस सीरीज के अंदर करके दिखा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या उपकप्तान की भूमिका T20 और वनडे में निभाते हुए लंबे समय से दिखाई दिए हैं और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या ही कप्तान रहे हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या चोट के चलते बाहर हुए और लगातार दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि IPL के बाद भी वर्ल्ड कप के अंदर टीम में इनका शामिल होना मुश्किल है। हालांकि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच हुई लड़ाई अब हार्दिक पांड्या को भारी पड़ सकती है, क्योंकि मुंबई की टीम में हार्दिक पांड्या में शामिल होने के लिए रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने की मांग की और खुद कप्तान बन गए। ऐसे में रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के बीच संबंध तो खराब हो गए हैं, दूसरी तरफ रोहित शर्मा से शुभमन गिल के भी संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में टीम के अंदर शुभमन गिल ने पहले T20 मैच में रोहित शर्मा को रनआउट कराया, जिसके चलते दोनों के संबंध भी बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। रोहित शर्मा ने रनआउट होने के बाद सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को टीम से बाहर निकलने का काम किया और दूसरे T20 में उनको शामिल नहीं किया।